भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। तो अभी फिलहाल में हफड़ा तफड़ी ना हो और कोई और कोई मिसहैप ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी ये किया कि फर्स्ट फेज में जो हेल्थ वर्कर है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे स्टाफ नर्सिस हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, आपके हेल्थ वर्कर हैं, तो पहले फेज में इन्हीं को लगेगा और इनकी एक्सरसाइज हमने कर ली है और रजिस्ट्रेशन हमने इनकी सबकी कर दी है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत जल्दी ये टीका आ जाएगा। जो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाना है सर, वो क्या वो स्वयं करना होगा या फिर हेल्थ वर्कर वो या कुछ इस तरह की टीम करेगी? अभी तो हमने जो है अपने जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या गवर्नमेंट के, वो हमने ऑफिशियली जो है अपने डिस्ट्रिक्ट को भेज दिए और डिस्ट्रिक्ट ने जो है डिस्ट्रिक्ट को बात करके स्टेट को भेज दिए, वो उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जो आम जनता है जिनको जरूरत है, अभी यही कहना है कि इसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जैसे आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, इनके भी रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं ऑफिशियली। लेकिन थर्ड फेज में, जैसे जब आपके जेरियाट्रिक ग्रुप जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं या कोमॉर्बिड है, इनकी अभी हमने लिस्टिंग करनी है के जो आशा वर्कर है या हेल्थ वर्कर है, वो आप अपने एरिया में इनकी लिस्टिंग करेंगे कि 50 साल लोग कौन है, उनके नाम, एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फ़ोटो आईडी, इस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठे करेगी, तो ये फिर हमें देंगे और हम फिर उस तरह से इनकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो इनके भी जो मैसेज आएगा वो 100-100 लोगों का मैसेज आएगा और वो डिस्ट्रिक्ट से ही आएगा। जो ये रजिस्ट्रेशन है सर, ये इनका मतलब आपके द्वारा ही होगा? हाँ, अभी तक तो जो है, और अभी फ़िलहाल क्योंकि जो हेल्थ वर्कर है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर साहब से क्योंकि कम है, तो इसमें हम जो हमारे पीएससी में हम उन्हीं में हम उनके टिकट लगाएंगे। लेकिन जैसे आगे आशा वर्कर, अगर वर्कर या जैसे थर्ड फेज में जैसे कहा जा रहा है कि जो 50 ऊपर के लोग हैं वो मौजूद हैं, तो उस टाइम हमारे पास जो टिके लगने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, तो हो सकता है उस टाइम हमारे को जो है वैक्सीनेशन साइट भी जो है वो ज़्यादा बनानी पड़ेगी।